रखे ध्यान सपनों की उड़ान। महामूर। राजा कृष्णदेव राय होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी होती थी। सबसे बड़ा तथा सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रति वर्ष महामूर्ख भी वही चुने जाते थे। इस तरह तेनालीराम हर वर्ष दो दो पुरस्कार अकेले हड़प लेते थे। इसी कारण अन्य दरबारियों को प्रति वर्ष ईर्ष्या की आग में जलना पड़ता था। इस साल अन्य दरबारियों ने फैसला कर लिया था कि इस बार होली के उत्सव पर तेनालीराम का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज ली थी। तेनालीराम के प्रमुख सेवक को पढ़ा सिखा कर उसके द्वारा तेनालीराम को भांग पिला दी गई। होली के दिन इसी कारण तेनालीराम भांग के नशे में घर पर ही पड़ा रहा। दोपहर बाद जब तेनालीराम की नींद खुली तो वह घबरा गया और इसी घबराहट में भागता भागता दरबार में पहुंच गया। जब वह दरबार में पहुंचा तब तक उत्सव में आधे से अधिक कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। राजा कृष्णदेव राय उसे देखते ही झपट कर बोले, अरे मूर्ख तेनाली राम जी, आज के दिन भी भांग छान कर सो गए। राजा ने तेनाली राम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा महाराज, तेनाली राम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनाली राम ने सब लोगों के मुंह से यह सुना तो मुस्कुराता हुआ महाराज से बोला, धन्यवाद महाराज, आपने अपने श्री मुख से मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे लिए ही सुरक्षित कर दिया है। तेनाली राम के मुख से यह सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, किंतु वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वह स्वयं ही अपने मुख से तेनाली राम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार तेनाली राम हर साल की तरह फिर झपट ले गया। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ।